नमस्ते प्यारे भाई, देखिए क्या बोलता है। 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो 2:3:5 में है प्यारे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज़ को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमको थोड़ा रियल आइडिया पता चल सके। देखो 50 पैसे की वैल्यू कितनी होती है प्यारे भाई, 0.5। 25 पैसे की वैल्यू 0.25 ही होती है रुपये में देखा जाए तो। और 20 पैसे की वैल्यू क्या होती है प्यारे भाई, 0.20 रुपीज़ होती है प्यारे भाई, ठीक है। सब रुपीज़ में आ रहा है तो फाइनली कितना आ जाएगा, 2 से जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1, ठीक है, डेसिमल लग जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0.75 आएगा, ठीक है प्यारे भाई। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 0.2 से कितना आएगा प्यारे भाई, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इनका सम करेंगे कितना आएगा, 2.75। यही किसके बराबर दिया है उसने, 550 रुपये के बराबर दिया है प्यारे भाई, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि 50 पैसे और 20 पैसे का जो अमाउंट का डिफरेंस है, अमाउंट का डिफरेंस प्यारे भाई देखो क्या है, उसने वैल्यू नंबर ऑफ कॉइन्स का डिफरेंस नहीं बोला है, अमाउंट का डिफरेंस। अमाउंट तो यहाँ पे भी 1 था और यहाँ पे भी 1 था। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा प्यारे भाई, 0 आ जाएगा आंसर। बाकी चीज़ हमको ये डिवाइड वाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें,